हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं? क्या देखने के लिए एक आंख काफी नहीं? क्या आपको ये स्टूपिड क्वेश्चन लग रहा है? लेकिन ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस में भी बहुत बड़ा ज्ञान छुपा होता है। आखिर दो आंखें होने का साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या होता अगर हमारी एक आंख होती? चलिए पता करते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइज मंच, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हालांकि हम एक आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन दो आंखों से हमें ऐसा विजन मिलता है जो एक आंख से संभव नहीं। दो आंखें इंसानों और जानवरों को वाइड हॉरिजॉन्टल व्यू देती हैं, मतलब इन दोनों के कारण वे अपने लेफ्ट और राइट में ज़्यादा एरिया देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंसानों की दोहरी आँखें 190 डिग्री की हॉरिजॉन्टल कवरेज देती हैं। इनमें से 120 डिग्री एरिया दोनों आँखों द्वारा देखा जा सकता है। एक आंख से ये वाइड एंगल व्यू संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा ये हमें थ्री डायमेंशनल व्यू भी प्रदान करती हैं। इसे बाइनोकुलर विजन कहते हैं। अब थोड़ा बाइनोकुलर विजन की बात करती हैं। ये एक प्रकार की दृष्टि है जिसे दो आंखों वाले जानवर अपने आसपास को थ्री डायमेंशन में देख सकते हैं, मतलब त्रि आयामी दृश्य संभव हो पाता है। हमारी दो आंखों में लगभग 6 सेंटीमीटर की दूरी होती है, जिससे दोनों आंखों के रेटिना पर एक ही चीज की दो अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। ब्रेन में ये दोनों अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें पहुंचती हैं और ब्रेन इन दोनों को प्रोसेस करके उनकी एक तस्वीर बना देता है, जिससे हमें केवल वस्तु ही नहीं दिखाई देती बल्कि उस वस्तु की दूरी का अनुमान लगाना भी संभव हो पाता है। ब्रेन की इस दोनों तस्वीरों को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी को बाइनोकुलर समेशन कहते हैं। इसका फायदा ये है कि हम एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से अपने आसपास का अनुभव करते हैं। हालांकि केवल एक आंख का उपयोग करके देखना संभव है, लेकिन गहराई और दूरी का अनुमान अच्छी तरह नहीं लगेगा। एक आंख से देखने पर विजन की एक्यूरेसी कम हो जाती है, जिससे चलना, तेज गति के खेल खेलना, कार पार्किंग करना, किसी चीज को पकड़ने जैसे कामों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है। अगर हम एक आंख बंद करके बाल को कैच करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होगी। बाइनोकुलर विजन से काफी फीकी चीजों को देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। दोनों आंखों की ब्राइटनेस अनुभव करने की क्षमता एक आंख से ज्यादा होती है। इसका फायदा ये है कि हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। फ्लिकर सेंसिटिविटी, बेटर कंट्रास्ट, विजुअल शार्पनेस भी इन दोनों आंखों की ही देन है। इसके अलावा दो आंखें होने के और भी बहुत फायदे हैं। हजारों साल पहले जब मनुष्य जंगल में रहते थे तो खाने के लिए शिकार करना पड़ता था और ऐसे में बॉडी पर चोटें भी लगती रहती थी। इस स्थिति में अगर एक आंख डैमेज हो जाती तो भी दूसरी आंख से देखा जा सकता था, जो कि ना देख पाने से फिर भी काफी अच्छा था। कुल मिलाकर अगर हमारी एक ही आंख होती हम देख तो पाते, लेकिन हमारी विजन कैपेसिटी काफी लिमिटेड होती और एफिशिएंटली देख पाना संभव ना होता। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक, लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड नॉलेज शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।